आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज। रूपा जी, सबसे पहले यहाँ आपसे कैसे के बारे में जानना चाहूंगा। हम आज भी देख रहे हैं कैसे सीड का वायदा बाजार 6400 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हालांकि देख रहे हैं कि कैसे सीड का जनवरी वायदा 6472 पर ट्रेड कर रहा है। रूपा जी, कल के मुकाबले कैसे में कुछ बढ़त बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है कैसे में आगे क्या 6500 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे इस कारोबारी सप्ताह की क्लोजिंग होते होते? देखिए, बिल्कुल आज वैसे भी बाजार देखा जाए तो जनवरी वायदा की बात करें तो 6472 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6500 का स्तर बिल्कुल संभव है कि देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के दौरान, और इंटेक्स में भी अगर पॉजिटिव रहा मार्केट तो 6500 के ऊपर का भी स्तर कैस्टर में देखने को मिल सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2795 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने 2800 के बाद बिनौला खल में लेवल टूटता हुआ देखा 2800 तक, हालांकि उसके इर्द गिर्द ही रहा है, 5-10 पॉइंट के नीचे गिरावट ही रही है, लेकिन फिर से 2800 का लेवल टच नहीं होता नजर आया। कल को एक बार हमने 2816 का हाई लगते देखा था शाम के कारोबारी सत्र में, लेकिन फिर वहां से बाजार फिसला है, 2800 के इर्द गिर्द ही बाजार घूमता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस वीकली क्लोजिंग में 2800 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी संभव है कि देखने को मिल सकती है। ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है और अभी बाजारों में तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार बाजार यहां पर सस्टेन कर रहा है, तो इट मींस यहां से अब बाउंस बैक अपसाइड का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये से रूपा जी देख रहे हैं धनिया भी आज 8700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। रूपा जी, लगातार दूसरा दिन है जब धनिया के अंदर अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी कीमतें देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इस कारोबारी सप्ताह धनिया में क्या अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल धनिया भी अभी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है और धनिया में एक्सपेक्टेड है कि 9000 का स्तर इस हफ्ते के कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि अभी हाट जो धनिया 8750 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, रूपा जी के अनुसार इस कारोबारी सप्ताह की क्लोजिंग होते होते यही धनिया 9000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। रूपा जी देख रहे हैं जीरे में भी 16100 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, अच्छी खासी तेजी है। जीरे ने एक बार फिर से 16000 के ऊपर का लेवल पकड़ लिया है। आपको क्या लगता है, क्या धनी की तरह इस बार जीरे में भी तेजी देखने को मिल पाएगी वीकली क्लोजिंग में? देखिए, जीरे में सस्टेनेबिलिटी अगर आती है तो देखना होगा, अभी 16000 के ऊपर पहले भी हमने इसको जाते हुए देखा था, अब यहाँ पर 16500 से 16600 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहले भी जब 16000 के ऊपर जीरा निकला था तो 500 से 600 तक ही रैली दिखाई थी, अगर उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तभी इसमें बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल के लिए 16500 से 600 के स्तर इसमें आने वाले इस हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी, रूपा जी देख रहे हैं हल्दी में भी आज शानदार बढ़त के साथ ट्रेड किया दर्ज किया जा रहा है। जो हल्दी हमने कल के कारोबारी सत्र में 7500-7600 के लेवल पर देखी थी, आज 7900 के ऊपर निकल चुकी है और 8000 से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है। रूपा जी, हमने देखा है कि हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है, हल्दी की इतनी कुछ एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं है और जो स्विंग है वो भी अच्छी खासी बताई जा रही है, लेकिन अभी जो बीच में बारिश देखी थी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हमने हल्दी में कुछ तेजी बनती देखी है। आपको क्या लगता है, क्या वायदा में ये जो तेजी है ये लंबी अवधि में भी देखने को मिलती रहेगी या फिर ये छोटी अवधि के लिए तेजी है? लेकिन शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है हल्दी में, ये फिलहाल बनती दिखाई दे रही है जिस तरीके से ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और अभी जिस तरीके से कुछ क्लैरिटी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कैसा होगा और जिस तरीके से अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि जनवरी में पीक पर जा सकता है और इसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो डर का माहौल है बाजारों के अंदर जिसकी वजह से काफी उठा पटक है कमोडिटीज के अंदर, और वहीं इसके अंदर एक डिमांड हो सकता है कि आगे चल के फिर एक डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे, इस वजह से हल्दी में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि 8500 के ऊपर अगर निकलता है अप्रैल वायदा तो 9000 तक के स्तर दिखा सकता है और अब वही 9000 का स्तर देखने को भी मिल रहा है, उस अप्रोक्सीमेटली 9000 के आसपास है मार्केट, और दिसंबर वायदा जो है वो 8000 के ऊपर की क्लोजिंग हो सकता है कि दिसंबर वायदा में हमें देखने को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल अभी देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन डिमांड फैक्टर अगर हावी होता है तो प्राइजेस के अंदर एक अपसाइड बन सकता है जो कि अप्रैल वायदा को हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 10000 के भी स्तर दिखा दे और नीचे में 8000 की रेंज बनी रह सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो कल के कारोबारी सत्र में शाम की क्लोजिंग होते होते हमने ग्वार गम में 6% का और ग्वार गम में 4% से ज्यादा का ऊपरी सर्किट लगता देखा था।
आज देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं पहले के मुकाबले कुछ सुधरती नजर आई हैं। आपको क्या लगता है, ग्वार की ये तेजी शॉर्ट कवरिंग है छोटी अवधि के लिए, या फिर अब ग्वार में यहाँ से तेजी बनना शुरू हो गई है? देखिए ग्वार में तेजी अखिलेश बनना चालू, आप देखिए जैसे क्रूड में मूवमेंट आया वैसे ही ग्वार के अंदर अब मूवमेंट आया है और वापस से 10,000 के ऊपर ग्वार निकल रहा है। अगर 10,000 के ऊपर है तो पॉजिटिव है और नीचे लुढ़कता है तो फिर वापस से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से 10,000 के ऊपर जा चुका है तो मान के चलिए एक बार यहाँ से अगर ये रैली पकड़ता है तो 11,000 से 12,000 का अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर गम्भे बनता हुआ दिखाई दे सकता है और सीट 6,000 के स्तर छूती हुई नजर आ सकती है, 6,000 से 6,200 का स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जी माधव कैपिटल आई कर यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिली है। कल की एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज सोयाबीन 6,600 के ऊपर ट्रेड कर रही है और 6,723 का हाई लगा चुकी है, 2.5% की तेजी है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या इंट्राडे में 6,800 के भी ऊपर लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल 6,800 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब यहाँ से 7,000 का स्तर भी संभव है इसके अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, मे भी हो सकता है आपको इसी हफ्ते ये लेवल्स देखने को मिले। अगर सोयाबीन में जिस तरीके का रैली आया है तो अब यहाँ से 7,000 का स्तर इस सप्ताह संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी यही से रूपा जी बात करें अगर कपास की तो कपास में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि अराइवल्स भी है, पहले पिंक बॉल वॉर्म आर्मी की वजह से कीटों की वजह से कपास की जो फसल थी उस पर काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिला था, काफी ज्यादा प्रभाव आया था। अब देख रहे हैं कि रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है, बारिश की वजह से भी कपास भीग चुकी है और किसान को काफी नुकसान भी हुआ है, तो क्या ऐसे में अब हाजिर में कपास की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ सकती हैं? रूपा जी कपास की बात करें तो कपास में आपको क्या लगता है, पहले जो कपास में कीटों की वजह से क्रॉप डैमेज देखने को मिला, फिर उसके बाद बारिश हुई, बारिश की वजह से भी कपास बड़े पैमाने पर खराब हुई है, तो आपको क्या लगता है क्या हाजिर मंडियों में कपास की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए कपास में बिल्कुल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और हाजिर मंडियों में भी एक्सपेक्टेड है कि एक उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट हुआ तो फिर कपास के अंदर एक प्रेशर भी जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। जी तो यानी कि फंडामेंटली तो तेज है, फंडामेंटल्स की वजह से तो कपास में अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है, लेकिन अगर लॉकडाउन वाली परिस्थिति लगती है जैसे कि ओमिक्रॉन अभी भारत में आ गया, दस्तक दे दी है, पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, लगातार केसेस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी नहीं लगा पाए हैं कि इम्पैक्ट कितना देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव कितना है, क्या पहले के मुकाबले ये वाला जो नया वेरिएंट है रहेगा ज्यादा खतरनाक रहेगा कितना रहेगा? तो अगर लॉकडाउन वाली परिस्थितियां लगती हैं या केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि कपास की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हाजिर में कपास की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है। ये सरपा जी बात करें अगर वायदा की तो वायदा में आपको क्या लगता है M6 कॉटन में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे? देखिए अपना सवाल दोहराइए रूपा जी, M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, हाजिर में तो आपने बता दी कि लॉकडाउन पे डिपेंड करता है, M6 कॉटन में आगे क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे कॉटन के? देखिए MCX पर भी इम्पैक्ट जो है वो इसी का ही देखने को मिलेगा, अभी जो ट्रेंड है अभी तो देखिए कपास का ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है और चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फिर MCX हो, आज जरूर लुढ़का हुआ है MCX का वायदा, लेकिन नीचे में 31,000 से लेकर और ऊपर में 32,000 की रेंज में फिलहाल बाजार नजर आ रहा है और अगर इसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है तो इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार बिनौला खल को लेकर आ रहा है। रूपा जी हमने देखा है कि बिनौला खल एकदम से उछलता नजर आया है, गिरता भी नजर आया था तो उछलता भी नजर आया है, काफी अच्छी तेजी बिनौला खल की कीमतों में बनती देखी हमने वायदा में भी और हाजिर में भी। अब जो दर्शक जुड़े हुए इनका सवाल है कि बिनौला खल में खरीदारी कब करनी चाहिए, क्या अभी भी यहां से जो करंट प्राइसेस से बिनौला खल का वायदा बाजार नीचे लुढ़क सकता है, क्या 2600 तक आ सकता है जिससे कि बिनौला खल में वायदा में खरीदारी करके चला जा सके? देखिए बिल्कुल इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है और क्या कहते हैं अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन मिलती है तो वहां पर भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। रूपा जी कुछ दर्शकों का सवाल बिनौला खल का ही है, लेकिन इनका सवाल मंडियों के लिए है,
कि बिनौला खल में अभी मंडियों में क्या स्थिति रह सकती है, तेजी रहेगी मंदी और क्या बेच दें या खरीद लें या होल्ड करें? एक बार दोहराइए किस कमोडिटी के बारे में? रूपा जी, बिनौला खल में सवाल है लोगों का, दर्शकों का, कि बिनौला खल में अभी मंडियों में क्या स्थिति रह सकती है, आगे तेजी रहेगी मंदी रहेगी, खरीदारी करें बिकवाली या फिर होल्ड कर लें अभी? देखिए, मैंने बोला कि अभी अपसाइड मोमेंटम है और इसमें तेजी बन सकती है, बिल्कुल फिजिकल में भी तेजी है। अगर वायदा में तेजी आ रही है तो उसका असर बिल्कुल फिजिकल बाजारों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वायदा में तेजी आ रही है तो हाजिर में तेजी नहीं बनेगी, तो दोनों ही में तेजी बनती हुई दिखाई देगी और बिल्कुल अभी होल्ड करके चला जा सकता है। पहला टारगेट 3000 का है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आगे लंबे टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, रवि कुमार राठौड़ जी, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आगे जाके हल्दी में तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी जो लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके चलते हल्दी में अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, सोमवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार सीड नीचे में अभी 5000 तक की भी लेवल्स दिखा सकता है, क्या ग्वार में फिर से मंदी बनती नजर आ सकती है, जिसकी जिससे निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सके? देखिए, एक बार दोबारा से दोहराइए अपना। रूपा जी, सोमवीर सिंह जी जुड़े हुए जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ग्वार सीड नीचे में एक बार फिर से 5000 का लेवल दिखा सकता है, जिससे निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सके? देखिए, 7000 का स्तर ग्वार सीड की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है ये लेवल्स। अगर अभी 6000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7000 का स्तर आ सकता है। रूपा जी, इनका सवाल उल्टा था, इनका सवाल था कि क्या ग्वार में निचले स्तर एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्या ग्वार 5000 तक नीचे में जा सकता है, जिससे निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सके? देखिए, अभी 5000 का स्तर थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, जैसे वापसी से रैली आई है मार्केट के अंदर, और अगर अभी ये 6000 के ऊपर निकला तो 7000 का स्तर संभव है। लेकिन अभी देखना होगा कि क्रूड किस तरीके से इंपैक्ट करता है, उसका भी असर इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और ओवरऑल अभी ट्रेंड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो मिक्स सा ट्रेंड है, और जिस तरीके से स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है उस स्थिति में कुछ भी संभव है। अगर बाजार नीचे गिरे तो 5000 का भी स्तर संभव है, और अगर अब यहां से वापसी की 6000 के ऊपर तो फिर आपको 5000 के लेवल हो सकता है कि ना देखने को मिले। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, कि इनका सवाल यह है कि सरसों जैसे अभी ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या थोड़ी थोड़ी बेच कर भी चलें? क्योंकि रूपा जी, हमने देखा है कि बम्पर उत्पादन की बात कही जा रही है इस बार, कि बम्पर उत्पादन देखने को मिलेगा, जो किसान पहले थोड़ी सरसों उगाते थे अब उन्होंने भी इस बार बुआई का रकबा बढ़ा दिया है, और बम्पर अराइवल्स की बात की जा रही है और बम्पर उत्पादन की भी, तो क्या ऐसे में अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सरसों लिक्विडेट करके चलना सही रहेगा क्या? देखिए, थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, रेहान मोहम्मद जी जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है, कि मेंथा में आगे कितनी मंदी तेजी रहेगी? मेंथा में देखिए, अगर 980 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा मार्केट जो है पॉजिटिव जा सकता है। 980 का लेवल अगर होल्ड करता है वायदा में तो आप 1020 तक का इसका टारगेट मानकर चल सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, संदीप जी हैं जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है, इनका सवाल है कि क्या कॉटन हाजिर में 9000 तक जा सकती है? क्या, कौन सी कमोडिटी? कॉटन, संदीप जी का सवाल है कि क्या हाजिर के अंदर कॉटन कपास 9000 तक जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर दिसंबर में ये लेवल्स हो सकता है देखने को मिल सकते हैं, अगर दिसंबर में ये लेवल्स नहीं आए तो फिर जनवरी में तो बाजारों में हमें लगता है कि दबाव आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स बन सकते हैं। जी रूपा जी, एक दर्शक है जिनका सवाल पाम तेल को लेकर आ रहा है, कि पाम ऑयल में अभी कैसा रुझान रहेगा? देखिए, पाम में भी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मार्केट जो है वो अपसाइड में जा सकता है, क्योंकि सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर हमें मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही है, तो उसके चलते अभी एक्सपेक्टेड है कि पाम के अंदर भी तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है, हमने सोयाबीन में एक बार फिर से तेजी बनती देखी है, और जैसा आपने बता दिया है कि 7000 तक की लेवल्स वायदा के अंदर एक्सपेक्टेड है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर हाजिर मंडियों की, तो हाजिर में आवकें काफी कम देखने को मिल रही हैं, और किसानों ने काफी ज्यादा स्टॉक भी की हुई है, और उनका यही कहना है कि 10000 या 12000 से नीचे वे अपनी सोयाबीन को नहीं बेचेंगे, तो क्या ऐसे में हाजिर में अगर लॉकडाउन वाली स्थितियां नहीं बनती है तो क्या हाजिर में ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं सोयाबीन के?
देखिए कौन से लेवल की आप बात कर रहे हैं? आज 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में हाजिर में देखिए बहुत ऊपर के लेवल हैं। अभी थोड़ा सा इतनी जल्दी ये लेवल एक्सपेक्ट करना हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर बाजार सस्टेनेबल होता है तो 8,000 तक मैक्सिमम तेजी हमें देखने को मिल सकती है वायदा में भी। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हिम्मत भाई जी, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर आ रहा है कि कैस्टर में आगे क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वायदा में एक रेंज में फंस कर रह गया कैस्टर। देखिए अभी कैस्टर में एक बार आप ना ही पोजीशन बनाए तो बेटर है, क्योंकि जब तक 6600 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज के लिए वो कौन सी कृषि फसलों के टॉपिक्स रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे में एक तो बिनोला खल के अंदर बाइंग किया जा सकता है, बिनोला खल आपको अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं सोयाबीन में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, आज हो सकता है सोयाबीन 6800 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।